हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी है। मंत्री जी, आज इस संस्थान में कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ पहली पुण्यतिथि पर, क्या कहेंगे उसमें? मैं सबसे पहले तो आदरणीय कल्याण सिंह जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जिस प्रकार के नेता थे, पूरे प्रदेश को उन्होंने अपने पुत्रवत जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा की, उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तमाम सियासी पहलू से भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, लोग क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आता है इसको सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं। कल्याण सिंह जी का जो कद है, वो उस कद का, जिस कद को वो पार कर चुके हैं, उसमें सियासत की हमें नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, ये जो संस्थान है, इसे अखिलेश यादव हमेशा अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाते रहे हैं हर मंच से, और आज वहाँ पर कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। देखिए, उपलब्धियाँ तो भगवान जाने क्या क्या वो गिनाएंगे, लेकिन उनको मूर्त रूप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है। केवल एक जमीन आवंटन कर देने का मतलब ये नहीं है कि कुछ हो गया। पूरा ये जितना इतना विशाल वो खड़ा हो गया आज भवन, ये भवन तो हम ही लोगों ने खड़ा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मयंकेश्वर शरण सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, और जहाँ तक बात करें इस संस्थान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी तमाम उपलब्धियाँ गिनाती हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन देने का मतलब संस्थान नहीं होता। इस संस्थान को पूरा करके जो मूर्त रूप है, ये वर्तमान सरकार नहीं दिया है। हमारे साथ में इस समय राजवीर सिंह जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? देखिए, आज इतने बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और मूर्ति का अनावरण आज पहली पुण्यतिथि पर किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और बाबूजी ने जितना कुछ किया, इसके लिए वो हकदार भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कल्याण कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम, एक मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में उसका नाम, कुछ रोडों के नाम रखे हैं, और प्रतिमाओं लगाने की आज अभी घोषणा की थी। खाली बाबूजी शरीर से बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके सपने, उनको पूरा करेंगे हम लोग सब मिलकर, और मेरे अंदर ही नहीं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के दिल में वो जिंदा रहेंगे, हमेशा अमर हैं। राजवीर जी, कुछ लोग इस पूरे कार्यक्रम को सियासत के चश्मे से भी देख रहे हैं, लोध वोट बैंक, क्या उस तरह से देखना चाहिए? देखिए, जो सियासत ऐसा कह रहा है कि ये वोट बैंक देख रहे हैं, तो उनकी छोटी मानसिकता है। लोध वोट तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और रहेगा, ये छोटी मानसिकता है। एक आखिरी सवाल, ये जो संस्थान है, ये अखिलेश यादव अपनी उपलब्धि के रूप में हमेशा बताते थे, कई मंच से बोलते थे, और आज वहाँ पर कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण, उनका जो संस्थान का नाम है वो भी पहले इस नाम पर किया जा चुका है बाबूजी के नाम पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वो कुछ भी बोलते हैं, मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता उनकी बात का। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में राजवीर सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बाबूजी का जो कद था वो बहुत बड़ा रहा, और उनसे जो सीखा है, उनके जो बताए हुए पच्चीन हैं, उन्हीं पर आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए सियासत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोध वोट बैंक हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आज भी उसी के साथ है, ऐसे में इसे सियासत के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।